अमृतपाल सिंह को आप सुन रहे थे, खालिस्तान समर्थक और किस तरह से अपना आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच देखिए, वहां पर भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब के पहुंचे हैं मुंबई, और वो कह रहे हैं कि उनके राज्य में शांति पूरी तरह से कायम है। सुनिए। देखिए, आप लोगों के पास यहाँ गलत सूचनाएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में कंट्रोल में, पंजाब पुलिस सक्षम है, और पंजाब का जो सोशल बॉन्डिंग है उस पर गोलियां भी चली, 10 साल बम भी फूटे, लेकिन पंजाब का जो भाईचारा है आपस में, वो लोग मिलके रहना पसंद करते हैं। अमन शांति वाला हमारा स्टेट है, और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अब वहाँ पे इन्वेस्ट करने लगी हैं, क्योंकि पहले किसी खास फैमिली के साथ एमओयू होता था, अब पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ जो है वो एमओयू हो रहा है। पंजाब को नंबर 1 स्टेट हम बनाने में अपनी तरफ से हमारी गारंटी थी। जब अरविंद जी और हम सारी टीम चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब हम गारंटियां दे रहे थे, बिजली मुफ्त की गारंटी, कच्चे मुलाजिम को पक्के करने की गारंटी, रोजगार की गारंटी। तो मैं तो मतलब यही कहूँगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत। भगवंत मान मुंबई पहुंचे हुए थे, मंच पर आपने देखा अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे भी थे वहां पर। केजरीवाल साहब ने उद्धव ठाकरे की प्रशंसा भी की।